नमस्कार। जनरल अवेयरनेस की पाठशाला में आज हम लोग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग यानी कि अटल सुरंग रोहतांग के बारे में अनोखे तथ्यों को आज जानेंगे। ये अटल टनल इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ अथक परिश्रम का नतीजा है जो कि आज हम लोग के सामने सच हुआ है। इसके बनने से बहुत ही सहूलियत होने जा रहा है। चलिए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर्स में सबसे पहले हम लोग इसकी लंबाई को जानेंगे। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर की है और ये मनाली को पूरे साल लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है जो कि इन दोनों जगहों पर अब सहूलियत लाएगा। और जो सुरंग है वो मीन सी लेवल से 3000 मीटर यानी कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पांजल श्रेणी में अल्ट्रा आधुनिक स्पेसिफिकेशन के साथ बनाया गया है। और जो ये सुरंग है मनाली और लेह के बीच सड़क रास्ते की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है और समय लगभग 4 से 5 घंटे की बचाती है। अब हम लोग कुछ और इसके स्पेसिफिकेशंस को जानते हैं। जो अटल सुरंग है इसका दक्षिणी पोर्टल यानी कि साउथ पोर्टल मनाली से 3060 मीटर की ऊंचाई पर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि सुरंग का उत्तर पोर्टल यानी कि नॉर्थ पोर्टल लाहौल घाटी में एक गांव तेलिंग है वहां से 3071 माउंट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल। और ये घोड़े के आकार का 8 माउंट्स के रोडवे के साथ सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग है। इसमें 5.525 माउंट्स का ओवरहेड क्लियरेंस भी है। ये इंजीनियरिंग का एक नक्शा है जिसमें ये डिटेल्स में बताया गया है। और क्या है, ये 10.5 मीटर चौड़ा है जिसमें 3.6 × 2.25 माउंट फायर प्रूफ इमरजेंसी एग्जिट टनल है, जिसमें मुख्य टनल में ही बनाए गए जो फायर प्रूफ इमरजेंसी एग्जिट टनल है वो मेन टनल में ही बनाया गया है। और कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अटल सुरंग को प्रतिदिन 3000 कारों के यातायात घनत्व और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ प्रतिदिन 1500 ट्रकों के लिए डिजाइन किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार साबित होगा इन सारे इलाकों के लिए। और इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट वेंटिलेशन सिस्टम जिसको SCADA बोलते हैं और नियंत्रित अग्निशमन रोशनी और निगरानी प्रणाली सहित कला विद्युत प्रणाली का बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। और टनल में पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएं हैं। कुछ सुरक्षा सुविधाएं को हम लोग यहाँ पर समझते हैं और वो कौन कौन से सुरक्षा सुविधाएं हैं उसको जानते हैं। अभी दोनों पोर्टल्स पर टनल एंट्री बैरियर है। आपातकालीन संचार के लिए प्रत्येक 150 मीटर पर टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा दी गई है। प्रत्येक 60 मीटर पर अग्नि हाइड्रेंट तंत्र दिया गया है और प्रत्येक 250 मीटर पर CCTV कैमरे के साथ ऑटो घटना का पता लगाने वाली प्रणाली को लगाई गई है। और प्रत्येक 1 किलोमीटर पर वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए इंस्ट्रूमेंट फिट किए गए हैं। प्रत्येक 25 मीटर पर इवैक्यूएशन लाइटिंग यानी कि निकासी प्रकाश और एग्जिट साइन यानी कि निकास संकेत दिए गए हैं। और पूरे सुरंग में प्रसारण यानी कि ब्रॉडकास्टिंग प्रणाली भी दिया गया है और हर 50 मीटर की दूरी पर फायर रेटेड डैम्पर्स हैं और प्रत्येक 60 मीटर पर कैमरे लगाए गए हैं। ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो कि इस सुरंग को अत्याधुनिक और अलग बनाता है। और जो रोहतांग पास है उसके नीचे एक रणनीतिक सुरंग के निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय 3 जून 2000 को लिया गया था जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और सुरंग के दक्षिण पोर्टल तक पहुंच मार्ग की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी।
जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने प्रमुख भूभाग और मौसम की चुनौतियों को दूर करने के लिए अथक रूप से काम किया है, जिसमें 587 मीटर सेरिनाल फॉल्ट जोन का सबसे कठिन खिंचाव भी शामिल था। दोनों छोर से 15 अक्टूबर 2017 को सफलता मिली और उसके बाद ये टनल का काम आगे बढ़ा था। इस तरीके से ये अनोखा टनल आज हमारी सेवा के लिए उपलब्ध में है। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है और हमें अपने देश के उन तमाम लोगों पर गर्व है, उन तमाम इंजीनियरों पर गर्व है जिन्होंने इस काम को पूरा किया है। स्पेशल थैंक्स BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने इस पूरे टनल को पूर्ण रूप से और अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी से बनाया है। अंत में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।